आपने पिरामिड्स के बारे में तो सुना ही होगा, सुना है ना? तो जैसा कि आपको पता है कि पिरामिड्स कुछ ऐसे इजिप्शियन स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, जिसमें जब भी कोई इजिप्शियन फैरो, फैरो मतलब इजिप्शियन राजा, जब भी कोई इजिप्शियन किंग की डेथ होती थी तो उनकी बॉडी को उन्हीं पिरामिड्स के अंदर ममीफाई करके रख दिया जाता था। ये तो सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत के एक स्टेट में कुछ ऐसे ही यूनिक या कहे तो अद्वितीय स्ट्रक्चर्स हैं, जिनका फिजिकल अपीयरेंस तो पिरामिड्स के जैसा नहीं है, लेकिन उनका पर्पस पिरामिड्स के पर्पस से बहुत सिमिलर है। मैं बात कर रहा हूँ आसाम स्टेट में पाए जाने वाले मोय दाम्स के बारे में, जो कि बरियल माउंड्स है। अब इसके स्पेलिंग में मत जाना, एसमीज लैंग्वेज में इसको ऐसे ही प्रनाउंस करते हैं, मोयदाम्स। अब ये जो मोयदाम्स होते थे, ये आहोम किंगडम के समय में बनाए जाते थे। इसमें जब भी कोई आहोम रॉयल फैमिली या नोबिलिटी में से किसी की डेथ होती थी तो उनको कुछ ऑर्नामेंट्स और उनके वेपन्स के साथ उन्हीं मोयदाम्स के अंदर दफनाया जाता था। नहीं सुना था ना इनके बारे में? सुनोगे भी कैसे, हमारे इंडिया के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, स्कूल के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में इनके बारे में बताया ही नहीं गया है। ऐसे ग्रेट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं गया। यहाँ तक कि आहोम किंगडम, जो कि इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर में से था, इसके बारे में भी हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत मिनिमम इन्फॉर्मेशन है। पिरामिड्स के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन हमारे ही कंट्री के इतने स्ट्रॉन्ग एम्पायर के बारे में हमें ही नहीं पता। पता है आहोम किंगडम इतना 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 स्ट्रांग था कि मुगल की लाखों की फौज बार बार हमला करके थक गई, लेकिन वो लोग आहोम किंगडम पे राज नहीं कर पाए, आहोम किंगडम को जीत नहीं पाए। बताओ, ऐसे स्ट्रांग एम्पायर के बारे में तो पूरी कंट्री को पता होना चाहिए ना? तो शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी दबा देना और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही देना, और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना, ताकि बाकी तो आपको पता ही है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।